हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक फायर फाइटिंग रोबोट। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो आग को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और उसे डिटेक्ट करके पीछे की तरफ भागने लगेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि हम ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज नहीं करने वाले हैं। ये सिर्फ हम कुछ सेंसर्स, मोटर ड्राइवर और मोटर का यूज करके डेवलप करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट आप अपने स्कूल के साइंस फेस्ट में डेवलप कर सकते हैं या फिर आप इनोवेशन वीक में भी इस तरह के प्रोजेक्ट को बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। फायर फाइटिंग रोबोट बनाने के लिए हम लेंगे एक मोटर ड्राइवर, फिर हम लेंगे एक पावर बोर्ड, इसके बाद हम लेंगे फ्लेम सेंसर, देन 9 वोल्ट की बैटरी, एंड आफ्टर दैट हम लेंगे एक बैटरी कैप, इसके बाद हम 8 जीरो पिन जम्पर वायर लेंगे, एंड फाइनली हम लेंगे अपना कार फ्रेम किट। ये कार फ्रेम किट है जिसके अंदर आपको कार बनाने के लिए टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, गियर बॉक्स, 2 गियर्ड मोटर, 4 मोटर होल्डर एंड 2 mm के कुछ स्क्रू मिल जाएंगे। इसकी हेल्प से आप अपने कार को पूरा असेंबल कर पाएंगे और इसके साथ आपको 4 व्हील भी मिलेगा। तो ये जो सारे किट हैं, कंपोनेंट हैं, इसको आप फ्यूचर गुरुकुल की वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली फ्यूचर गुरुकुल की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से शॉप सेक्शन पर जाकर आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे सारे कंपोनेंट को खरीद सकते हैं। मैंने प्रोडक्ट के सारे लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ जाकर इसे चेक कर लीजिए। सारे कंपोनेंट्स को कलेक्ट करने के बाद से आपको ये पूरे सेटअप को अपने कार की बॉडी पर सेट करना है। तो उसके पहले आपको कार फ्रेम को असेंबल करना होगा जो आपको अपने कार किट में मिला हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम कार किट के फ्रेम को असेंबल करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम मोटर होल्डर लेंगे और अपने गियर्ड मोटर को मोटर होल्डर में स्क्रू की हेल्प से अटैच कर देंगे। तो इस तरह से मैं स्क्रू लूंगा और इसको प्रॉपरली टाइट कर दूंगा। तो इसी तरीके से आप दोनों गियर्ड मोटर को 2 मोटर होल्डर में अलग अलग स्क्रू के साथ अटैच कर सकते हैं। और इसको अटैच करने के बाद आपको जो गियर बॉक्स मिला हुआ है, सिमिलरली गियर बॉक्स को भी हम अपने मोटर होल्डर में अटैच कर देंगे। तो आप दोनों गियर बॉक्स को भी मोटर होल्डर के साथ स्क्रू की हेल्प से अटैच कर दीजिए। इसके बाद हम अपने चारों गियर बॉक्स पर डबल साइडेड टेप का यूज करेंगे और दोनों साइड में, अपर साइड एंड डाउन साइड, चारों मोटर में डबल साइडेड टेप को इस तरीके से लगा देंगे। डबल साइडेड टेप लगाने के बाद हम अपने कार के टॉप प्लेट को और बॉटम प्लेट को लेंगे, फिर अपने मोटर को अपने बॉटम प्लेट पर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है, इसी तरीके से आपको अटैच करना है। जिसमें वायर लगा है वो मोटर बैक साइड में जाएगा और जो गियर बॉक्स है वो फ्रंट साइड में रहेगा। तो आप दोनों गियर्ड मोटर को और गियर बॉक्स को अपने कार फ्रेम के बॉटम प्लेट पर चिपका दीजिए, उसमें होल बना है तो एडजस्ट हो जाएगा। फिर टॉप प्लेट को लाकर आप ऊपर से इंसर्ट कर दीजिए, तो ये सारा प्रॉपरली सेट हो जाएगा। अब ये आपका पूरा का पूरा कार का फ्रेम रेडी है। नाउ अब हम व्हील को लगा देंगे। चारों व्हील को आप लगा दीजिए। व्हील को लगाने के बाद अब ये हमारा पूरा सेटअप रेडी हो गया है। इसके बाद हम अपने सारे कंपोनेंट को कार फ्रेम के ऊपर डबल साइडेड टेप की हेल्प से चिपका देंगे। तो मैं अपना पावर बोर्ड लूंगा और पावर बोर्ड को डबल साइडेड की हेल्प से इस तरीके से अपने कार के फ्रेम पर रख दूंगा। आपको भी इसी तरीके से रखना है। अब मैं अपना मोटर ड्राइवर लूंगा और मोटर ड्राइवर को भी डबल साइडेड टेप की हेल्प से कार के फ्रेम के ऊपर चिपका देता हूं। सो मोटर ड्राइवर को लगाने के बाद हम लेंगे अपना फ्लेम सेंसर। तो फ्लेम सेंसर को भी हम कार फ्रेम के आगे वाले पार्ट पर डबल साइडेड टेप की हेल्प से अटैच कर देंगे।
सो गाइज, सारे कंपोनेंट्स को कार के फ्रेम पर प्लेस करने के बाद हम देखेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो ये है इस प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम। इसे कनेक्ट करना बहुत इजी है, आप ध्यान से इसे देखकर अपना कनेक्शन कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कनेक्शन का स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मैंने अपने वेबसाइट के ब्लॉग में लिखकर पोस्ट कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से पढ़कर आप कनेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं अपना कनेक्शन पार्ट कंप्लीट कर लेता हूं। सो गाइज, अब हम अपने बैक साइड में लगे दोनों गियर्ड मोटर को मोटर ड्राइवर में अटैच करेंगे। ये मैं ठीक उसी तरीके से कर रहा हूं जो अभी मैंने आपको सर्किट डायग्राम में दिखाया। तो आपको क्या करना है, बस सर्किट डायग्राम को फॉलो करना है। आप जम्पर वायर्स लीजिए और सर्किट डायग्राम को देखते हुए सारे पिंस को उसी तरीके से कनेक्ट कर लीजिए। तो मैं इसे जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ, आप भी डायग्राम फॉलो करते हुए सारे कनेक्शन के पार्ट को फिनिश कर लीजिए। और ये हमारा कनेक्शन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने बैटरी कैप को लेंगे और उसे बैटरी में लगा देंगे एंड देन इस पिन को हम पावर बोर्ड के डीसी पावर जैक में कनेक्ट कर देंगे। सो गाइज, अब आपका प्रोजेक्ट पूरी तरह से रेडी है। चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। Congratulations guys, now you have learned that how to make a fire fighting robot. अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में सीधे मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसी तरह मैं आपके लिए और भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।